कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग काफी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। आपका स्वागत करते हैं नवाबों के साथ यानी कि लखनऊ से। तो मुस्कुराइए ना, आपके सामने खड़ी है लखनऊ गोरखपुर अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका इनॉग्रेशन कुछ दिन पहले हुआ था और आपको हम दिखाए भी थे इनॉग्रेशन। अगर नहीं देखे तो चैनल पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत का। बट आज इसमें जर्नी करने वाले नहीं है, आज अपने लखनऊ में एक और चीज़ का इनॉग्रेशन होने वाले यानी कि रेल कोच रेस्टोरेंट, जो कि रेल के कोच में बना होता है रेस्टोरेंट। तो समझ गए होंगे आप लोग क्या बता रहे हैं हम। तो उसका इनॉग्रेशन है शाम के 5 बजे। तो चलते हैं रेलवे स्टेशन के बाहर, आपको दिखाते हैं उसका इनॉग्रेशन, उसमें क्या होता है, क्या रहता है, क्या खाना मिलता है, क्या टाइमिंग्स रहेगी, ए टू जेड सारी चीज़ें इस। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म के बाहर और पीछे आप देख रहे हैं ये है लखनऊ चार बाग रेलवे स्टेशन बिल्डिंग। और आपको अब दिखा देंगे अपना रेल कोच जो रेस्टोरेंट है वो कहाँ पे खुला हुआ है। तो गाइस देखिए ये सामने में लखनऊ चार बाग अपना रेलवे स्टेशन और इसके जस्ट अपोजिट में निकलते ही आपको मिल जाएगा रेल कोच रेस्टोरेंट। देख सकते हैं रेल कोच रेस्टोरेंट चार बाग रेलवे स्टेशन 24/7 ओपन रहेगा। और ऐसा कुछ है तैयारी वारी की गई है, फूल वूल लगाए गए हैं क्योंकि आज इसका उद्घाटन होने वाला है ना इनॉग्रेशन। और सामने से आपको लखनऊ मेट्रो दिख रही होगी। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है क्या नहीं और आपको बताते हैं पूरी चीज। अभी वीडियो में बने रही है दोस्तों, शाम के बज चुके हैं 5 और अब चलते हैं अपने रेल कोच रेस्टोरेंट में जिसका आज इनॉग्रेशन हुआ यानी 28 अगस्त को। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर से कैसा अपना रेस्टोरेंट है। और आज फर्स्ट डे है तो काफी ज्यादा भीड़ भाड़ आपको देखने को मिलेगी। भाई फर्स्ट डे तो आपको देखिए ये अपना रेल कोच रेस्टोरेंट। और भाई इसकी जो कलर की गई ना काफी बेहतरीन लग रही है, यहाँ पे फूल भी लगाए गए हैं। भाई पहला दिन उद्घाटन है इसके, चलते हैं अंदर कहता हूँ। और भाई गेट पे भी काफी अच्छे फूल लगाए गए हैं, आओ जाओ भाई। तो दोस्तों गेट से एंटर होते ही ये है अपना रेल कोच रेस्टोरेंट। और भाई फर्स्ट लुक देखे ना भाई काफी बेहतरीन लग रहा है, मतलब कि जो इसकी इंटीरियर है ना वो बेहतरीन लग रही है, प्लस जो इसमें लाइटिंग दी गई है। और गेट आपको 1, 2, 3 गेट मिल जाएंगे। और यहाँ पे रिसेप्शन भैया, ये रिसेप्शन है। और आपको अंदर चल के दिखाते हैं क्या है। ये लखनऊ का रेस्टोरेंट है ना, तो इसके अंदर आपको लखनऊ में जो भी चीज फेमस चीजें ना उसकी पेंटिंग देखने को मिलेगी। जैसे कि ये देख सकते हैं रूमी गेट जो कि लखनऊ का ही है। और यहाँ पे है अपना भूल भुलैया जिसको हम लोग इमाम बड़ा भी कहते हैं, कुछ ऐसा है। और हाँ एसी की फैसिलिटी है देख सकते हैं, तो गर्मी आपको नहीं होने वाली है रेल कोच रेस्टोरेंट में, बाकी यही कुछ है। और सबसे मेन बड़ी बात कि इसमें आपको चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिलेंगे। और एक आपको ये इधर विंडो, मतलब कि जैसा ट्रेन होता है ना वैसा भाई फील आने वाला है, क्योंकि इसका नाम ही है रेल कोच रेस्टोरेंट। यहाँ से आपको बाहर पूरा जो लखनऊ का रोड है ना वो दिखेगा और चार्जिंग सॉकेट आपको देख ही रहे हैं। तो मतलब कि काफ़ी अच्छी सुविधाएं दी गई हैं अपने रेल कोच रेस्टोरेंट में, मतलब एकदम पूरी ट्रेन वाली फील आपको आएगी। और यहाँ पे आपको देख रही है कटलरीज वटरीज है, वाटर बॉटल है। तो भाई अभी फिलहाल हमको पास एक स्वीट्स आई है जो कि भैया देके गए हैं, आज फर्स्ट दिन है तो उसके खुशी में। तो देखते हैं टेस्ट करके उसको भी क्या। तो जी फाइनली हम बैठ चुके हैं रेल कोच रेस्टोरेंट में और अभी फिलहाल हम देने आए गए थे, एक मिठाई दिया गया है क्योंकि आज इनॉग्रेशन इसका हुआ है ना। और साथ में जो पानी बोतल मिली थी वो पहले ही आपको दिखा चुके थे, शिखर ने 250 ml का वाटर बोतल है। और इस स्वीट्स को रिव्यू करके देखते हैं कि ये कैसा है। ऐसा कुछ स्वीट्स है इसका, एक नंबर भाई। इनॉग्रेशन में जो भी चीज़ मिल जाए ना भाई एक नंबर होता है। और खोए का है भाई, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। चलिए खाते पीते हैं फिर उसके बाद कुछ और मिलता है तो आपको दिखाते हैं। और अब आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दें तो ये रेस्टोरेंट खुला क्यों है ना, जैसे कि हम लोग ट्रेन जर्नी करके आते हैं या सफर करके जो भी करके आते हैं लखनऊ में उतरते हैं तो बाहर निकलते हैं सोचते हैं कुछ फास्ट फूड बढ़िया खाना मिल जाए या फिर कुछ मिल जाए। अभी आप लोग को मेन्यू दिखाएंगे, हमें याद है अभी इसके बाद मेन्यू भी आप लोग को दिखाएंगे। तो ये सब चीज़ें खाना मिल जाए तो रेस्टोरेंट खोजना बहुत मुश्किल होता है कि रेलवे स्टेशन के बाहर जाएंगे कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, दूर होगा पास होगा। इस वजह से जस्ट स्टेशन बाहर ही आपको रेल कोच रेस्टोरेंट मिल गया है। उसके बाद मेन्यू देखते हैं उसमें क्या क्या अवेलेबल है, वैसे तो सारी चीज़ अवेलेबल ही रहेगी। और ये विंडो आप देख ही रहे हैं और बगल में रोड,
सबसे बढ़िया भाई क्या चाहिए, और रेल कोच रेस्टोरेंट में बैठ के आप खाना खाएंगे, यानी कि ट्रेन के डिब्बे में, सामने में एसी फेसी एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास लगा हुआ है। तो दोस्तों उस मिठाई के बाद हम लोग एक दिया गया समोसा जो कि काफी गर्मा गर्म है, इसको टेस्ट कर लेते हैं और आपको बताते हैं ये समोसा कैसा है। और साथ में हरी चटनी दी गई है। समोसा भाई एक नंबर का लाजवाब है और इसकी साइज भी काफी अच्छी है, ट्रेन वाली नहीं जो समझते हैं अपना पेंट्री वाली वैसी यहाँ नहीं मिलेगी सर्विस, यहाँ पे काफी एक नंबर की चीजें मिलेंगी। तो दोस्तों ये है अपने रेल कोच रेस्टोरेंट का मेन्यू जो कि 24/7 खुला रहेगा। अंदर देख लेते हैं इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। हॉट बीवर्स, कोल्ड बीवरेज मिल जाएगा आपको, बेकरी स्नैक, फास्ट फूड में आपको देखिए वेज चटनी, सैंडविच, समोसा, पराठा, कटलेट, पकौड़ा और क्या है, कांडा भाजी, मूंग दाल पकौड़ा, मतलब कि सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और इधर चिकन बर्गर, पनीर बर्गर, काफ़ी चीज़ें, वीडियो को हम पॉज कर दे रहे हैं, आप लोग एक एक करके आराम से पढ़ लीजिए। और इधर चाइनीज में आप देख ही रहे हैं वेज फ्राइड राइस, एग चाउमीन, चिकन चाउमीन, मशरूम पराठा, वेज चाउमीन, चिल्ली मशरूम, चिली चिकन, भाई बहुत ही चीज़ें हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। मतलब कि काफ़ी लंबा चौड़ा इसका कॉम्बो मील है आपको, वेज चाइनीज कॉम्बो आपको मिल जाएगा 250 का, ऐसे करके थाली में आपको देख सकते हो वेज स्टैंडर्ड थाली है जो हम लोग को ट्रेन में मिलती है ना, वो यहाँ 160 की मिल रही है, देख सकते हैं। ऐसे ऐसे मतलब साउथ इंडियन आपको मिल जाएगा, वेज रायता, पापड़, सलाद, रोटी, सारी चीज़ों की ऑप्शन है, चाट भी आपको मिल जाएगा, तंदूरी आइटम, स्वीट्स, पिज्ज़ा और रोल्स है, नॉन वेज है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और पीछे अपना लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन और ये अपना रेल कोच रेस्टोरेंट। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मेन्यू के हिसाब से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, A to Z जो भी चीज़ें होती है, चाइनीज, तंदूरी, रोटी, थाली, सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा आइटम था, मतलब 2-3 पेज का लंबा चौड़ा यहाँ का मेन्यू है। तो आप लोग यहाँ पे आइए, ट्राई करिए। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर आपको दिखाई दिए हैं, तू क्या देख रहे हैं, ठीक है ना। और दोस्तों अभी शाम के बज चुके हैं 6, अभी हम लोग आए थे बाहर की तरफ, बाहर की तरफ में भी कुछ दिखा है तो आप लोग को दिखाते हैं वो क्या है। तो दोस्तों ये है सामने में देख सकते हैं आप, एक कोको कोला का बड़ा सा फ्रिज लगा हुआ है जिसमें आपको मतलब कोक माजा जो भी आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और इधर एक छोटा सा फ्रिज भी साइड में लगा हुआ है, आप लोगों को यहाँ पे चॉकलेट सोकलेट मिल जाएंगे। और यहाँ पे भी एक लगा हुआ है, और आप लोग देख लीजिए ये कोच ही है असली का कोच जो होता है ना, असली वो वाला कोच है, देख लीजिए नीचे पटरी वटरी भी लगी हुई है, देख लीजिए ये कोच है, बस इसको पेंट ऑन करके मतलब बढ़िया से एकदम बना दिया गया है, देखिए इतना बेहतरीन इस बना, ये थर्ड एसी का कोच है दोस्तों, इतना इसको बेहतरीन बना दिया गया है ना कि कोई देखेगा तो कहेगा ही नहीं कि भाई ये कोच है कोई सा, लेकिन बट भाई ये कोच ही है, एक नंबर भाई, आई लव यू। और आज इसका इनॉग्रेशन था तो यहाँ पे पूरी मतलब कि खाना बनाने के लिए चूल्हे लगे हुए हैं और यहाँ पे तेल भी गर्म हो रही है, आई थिंक कुछ बने। और भैया ये क्या कहता है, डेली मतलब कि जो ये खाना बनाने और ये यहीं रहेगा या फिर आज के लिए बस ये क्या, ये डेली है, डेली हमेशा यहीं डेली। और दोस्तों रेल कोच रेस्टोरेंट के जस्ट आप सीधे बाहर आएंगे तो ये आपको मिलेगा छोटा सा गैलरी, बालकनी, जो भी कह सकते हैं आप कह लीजिए इसको, काफी बढ़िया है। सामने अपना लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन और ये इतना बड़ा बेहतरीन भाई, शाम के नज़ारे लीजिए यहाँ से, मस्त ना भाई। दोस्तों देखिए ये जो गैलरी आपको दिखाया था ना वो कुछ ऐसा है भाई, फ्लावर कितने बेहतरीन लगाए गए हैं यार। और नीचे देखिए भाई टाइल्स भी लगे हुए हैं और इधर आपके बढ़िया व्यू लीजिए यहाँ से, देखिए लखनऊ चारबाग अपना। दोस्तों अगर इंडिया रेलवे में किसी भी चीज का इनॉग्रेशन होता है ना, जैसे कि अपनी वंदे भारत की समझ लीजिए, चाहिए रेलवे से समझ लीजिए, खाने पीने की सुविधाएं काफी ज्यादा रहती है। एक पहले हम लोग मिठाई मिला था, फिर उसके बाद एक और देख सकते मिठाई आ चुका है, मतलब कि भाई चलते रहता है, इसको भी ट्राई कर ही लेते हैं, वो भी वही सेम मिठाई है लेकिन भाई फिर से मिल के आए तो ट्राई कर लेते हैं, बहुत बढ़िया भाई।
तो दोस्तों इस रेल कोच रेस्टोरेंट में हमारे साथ शशांक व्हील रन के शशांक भैया भी आए थे, तो आइए इनसे पूछते हैं कैसा लगा इनको रेल कोच रेस्टोरेंट। हाँ भैया बताइए कैसा अपना लगा लखनऊ का फर्स्ट रेल कोच रेस्टोरेंट। साइज में थोड़ा छोटा है, बढ़िया बना है, काफी मजा आया। इनॉग्रेशन में तो मजा आता ही, अभी आप देखिए मतलब भाई चारों तरफ रस ही रस है, और जो फूड है ना वो लोगों के लिए शुरू हो चुका है। बाहर अभी अंदर अलाउ नहीं है, बाहर अलाउ है, कल से अंदर भी आप लोग बैठ के खा सकते हैं। भाई यही था कुछ अपना ब्लॉग रेल कोच रेस्टोरेंट लखनऊ का, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और भाई जब भी आए लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन तो एक बार ही अपना रेल कोच रेस्टोरेंट में जाके ट्राई करें जरूर। फिर करते हैं इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पिंड, मिलेंगे किसी नए धमाकेदार जर्नी में, तब तक लिए टाटा टेक केयर, बाय बाय।